एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दाबी टेक फैक्ट्री। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका हूँ। इन्फोसिस की तरफ से एक ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी आई है जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। एंड ये अपॉर्चुनिटी 2025 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। 9.5 LPS का पैकेज होने वाला है। बात करें इसकी प्रोफाइल की तो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की प्रोफाइल होने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट गाइडेंस भी बताऊंगा कि कैसे हम ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, बट वीडियो एंड तक देखना जिससे इसकी कंप्लीट गाइडेंस आपको पता चल जाए कि किस फॉर्मेट में इसका असेसमेंट आने वाला है, कैसे इसके इंटरव्यूज आने वाले हैं, क्या क्या चीजों की प्रिपरेशन करनी है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के अंदर आपको मिल रही होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी, तो वीडियो एंड तक देखना। एंड गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज आप लोग के लिए आती रहती है। एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन्फोसिस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। एंड आपके TPOs भी आपको ये मेल भेज देंगे इन्फोसिस की तरफ से। अगर आपका कॉलेज भी एलिजिबल होगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। एंड मैं बार बार बता रहा हूँ, 2025 बैच वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। यहाँ पे आपको ये सर्वे फॉर्म में एग्री पे एक्सेप्ट करना है। देन जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल और अपना नेम और अपना लास्ट नेम, जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, देन यहाँ पे आपका कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट आपका प्रोसेस ओपन हो जाएगा। कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जिसको आप लोग फिल करके इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका जेंडर है सबसे पहले, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, देन उसके बाद आपका लास्ट नेम, प्राइमरी ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप अपनी ईमेल एड्रेस डालोगे, वो अपनी अपनी जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो डालना, क्योंकि दिस इज अ ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी। अपलोड रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो, तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। कोई भी व्हाट्सएप की आपकी DP, कोई भी ऐसी प्रोफाइल्स नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पे होना चाहिए। अपलोड योर रेज्यूमे, रेज्यूमे आप अपलोड कर देना। प्रीफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। देन अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, इंडिया से हो, कहाँ से हो, ठीक है। डू यू हैव अ पासपोर्ट, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अपना एड्रेस, आप अपना पर्सनल एड्रेस या फिर जहाँ पे आप कॉलेज में रहते हो वो अपना एड्रेस यहाँ पे सिचुएटेड कर सकते हो। देन पिन कोड, देन आपको नेक्स्ट पेज, देन आपको ये पूरा प्रोसेस 89 आपका यहाँ 89 यहाँ पे क्वेरीज है, आपकी क्वेश्चंस है, ये आपको पूरा का पूरा आंसर करना है। देन आप इसको सबमिट करके आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कंप्लीट गाइडेंस की कि कैसे हमें इसको प्रिपेयर करना है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। प्रिपरेशन कैसे करनी है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है। इन्फोसिस SP हायरिंग 2025 कंप्लीट गाइड, आपको कंप्लीट गाइड मिलेगी, ठीक है। अब क्या क्या इसका असेसमेंट में आने वाला है, क्या इंटरव्यूज में आने वाला है, इन चीजों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो राउंड होगा इसका असेसमेंट का होगा, विच इज ऑनलाइन असेसमेंट। अब यहाँ पे इनके इन्फोसिस के राउंड्स में कुछ नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा स्ट्रक्चर्स, जो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, वहां से जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। बट उससे पहले ये गाइडेंस अच्छी तरीके से देख लेना, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं उन पे बात करेंगे। यहाँ पे आपको तीन कोडिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी इस असेसमेंट के अंदर। एंड इनका लेवल मीडियम टू हार्ड लेवल रहने वाला है, मैं पहले ही सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। जिसकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है वो ही इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। अगर जिसकी भी कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर आपके फ्रेंड्स की कोडिंग स्किल्स अच्छी है तो आप उससे क्वेश्चन करा सकते हो। बट इंटरव्यू के अंदर आपको ही प्रिपरेशन करनी होगी, आपको ही इंटरव्यू क्रैक करना होगा, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करा लिया देन आपके फ्रेंड तो नहीं जा सकता आपका इंटरव्यू देने आपको ही जाना होगा। वो भी मैं बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, बट पहले हम ऑनलाइन असेसमेंट की चीजें कवर कर लेते हैं। 3 कोडिंग प्रॉब्लम्स आएगी, एंड अगर आप 2 कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे फुल्ली सॉल्व कर लेते हो तो आपके मान के चलना कि 99% चांस है
100% भी आप इसको कह सकते हो, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, कट ऑफ टू कट ऑफ। बट अगर आपने 3 कोडिंग क्वेश्चन के अंदर 2 कोडिंग क्वेश्चन सबमिट कर दिए, फुल्ली सबमिट कर दिए, तो आप 100% इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ये मैंने अब तक के जो भी अब तक की कट ऑफ्स रही है, अब तक के क्राइटेरियाज रही है 2024 बैच के अंदर, 2023 बैच के अंदर, उस क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। 2 कोडिंग क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो एक सेफ जोन के अंदर हो। बट काफी, अगर मैं 2024 बैच के स्टूडेंट्स की बात करूं, 1.5 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी काफी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। बट अगर आप सेफ जोन की बात करो तो सेफ जोन है 2 कोडिंग क्वेश्चन, फुल्ली अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको चांसेस बहुत ज्यादा है इंटरव्यू कॉल आने की। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है भैया, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, इतने बड़े इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो वहां पे कौन कौन सा टॉपिक्स जो एक हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है आपका ग्राफ, देन है आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग, सेगमेंट ट्री, एक सेगमेंट ट्री करके एक टॉपिक होता है, काफी कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होगी, एंड स्लाइडिंग विंडो। ये चार चीज ऐसी है जिसपे क्वेश्चन 101% आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 101% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो डायनामिक प्रोग्रामिंग लिखा है तो एरे के क्वेश्चन तो 100% आएंगे, और एरे के अंदर आपको पता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग, एरे के बिना क्वेश्चन नहीं होता है, तो एरे के अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल एरे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्राफ के बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है किसी के अंदर डाइजेक्स्ट्रा लग रही हो, बीएफएस लग रही हो, डीएफएस लग रही हो, सेगमेंट ट्री पे क्वेश्चन आ सकता है, स्लाइडिंग विंडो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लाइडिंग विंडो पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है, और जो लेवल लेने वाला है, अगर आपने कोड फोर्सेस किया होगा, कोड फोर्सेस या फिर कोड शेफ पे क्वेश्चन की होगी, तो उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। लेवल मैंने आपको बता दिया, लीड कोड के लेवल की बात करूं, लीड कोड पे अगर आप मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो आप इजिली असेसमेंट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। लेवल काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि पैकेज भी 9.5 LPA है। तो अगर पैकेज अच्छा देगी तो ऑब्वियसली आपसे जो भी एक बढ़िया स्टूडेंट होगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, जिसकी कोडिंग स्किल्स अच्छी होगी, उसको हायर करेगी। अभी बात करते हैं इंटरव्यू की। जितने स्टूडेंट्स असेसमेंट क्लियर कर लेते हैं उनके लिए कॉल आती है इंटरव्यू की, एंड ड्यूरेशन रहती है 30 मिनट्स। मोस्ट प्रोबेबली काफी स्टूडेंट्स की 25 to 35 मिनट्स के बीच में आपका इंटरव्यू की ड्यूरेशन रहेगी। ये ज्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर। बट यहाँ पे टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं, अगेन डीएससी के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करके जाने हैं। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस इंटरव्यू के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। एरेज स्ट्रिंग डीपी के क्वेश्चन भी कर लेना। देखो पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू टू इंटरव्यू, डिपेंड करेगी चीजें, बट डीएससी के क्वेश्चंस करके जाना, लीड कोड पे क्वेश्चन सोल्व करके जाना। फिर आते हैं हम बात अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की, ओएस, डीबीएमएस। ऊप्स, इसको मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करूंगा क्योंकि इन्फोसिस काफी क्वेश्चन पूछती है। कंप्यूटर नेटवर्क्स भी अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चन रेज होते हैं। ओएस, डीबीएमएस, ऊप्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इनको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाना, इनके अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ के जाना। जीएफजी बहुत सारी वेबसाइट है, वहां से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। नाउ कम टू द प्रोजेक्ट पार्ट। प्रोजेक्ट पार्ट आपसे पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करके जाना। डीएसए, कंप्यूटर सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, 90% इंटरव्यू इनमें से ही आपका हो जाएगा, यहीं से आपके क्वेश्चंस रेज होने हैं। सो होप्स आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिल गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि कहां कहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। असेसमेंट क्लियर करोगे तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचोगे, बार बार बोल रहा हूं। जितने भी 2025 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, 9.5 LPA का पैकेज रहने वाला है। एंड प्रोफाइल मैंने आपको बता दी है, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की प्रोफाइल रहने वाली है, जैसे आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो एक कंप्लीट गाइडेंस मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दिया। जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अप्लाई कर लो, एप्लीकेशन अपनी फटाफट सबमिट कर लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितने स्टूडेंट्स को भी जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।